8 जिलों के मैनेजर के वेतन वृद्धि को रोकने का आदेश। आपूर्ति निगम के आयुक्त तरुण पिथोड़े ने जारी किया आदेश। वेयरहाउस के अनाज में हेरफेर करने के मामले में कार्रवाई। 12 जिलों के केंद्र पर प्रभारियों पर गिरी गाज। गुणवत्ता वाले अनाज की जगह रखे थे खराब अनाज। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 जिलों के मैनेजर की वेतन वृद्धि को रोकने का आदेश दिया है तरुण पिथोड़े, आयुक्त आपूर्ति निगम। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए विवेक, उनसे उनके पास सीधे लाइव चलते हैं। विवेक, जिस तरह से आपूर्ति निगम के आयुक्त तरुण पिथोड़े ने जो आदेश निकाला है कि 8 जिलों के जो मैनेजर हैं उनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई है, खराब अनाज रखा था जहां गुणवत्ता वाला अनाज रखना चाहिए था वहां खराब अनाज रखा हुआ था, क्या अपडेट है इस खबर पर, किस तरह का पूरा मामला है ये? देखिए, हर महीने खाद्य को लेकर और आपूर्ति को लेकर समीक्षा होती है। दो विभाग है, मध्य प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम है, उसके अलावा वेयर हाउस लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन है। ये दोनों विभागों की जिम्मेदारी है कि राशन का जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से बेहतर की जाए, और इसी के लिहाज से रिव्यू किया गया जिसमें ये पाया गया खाद्य आपूर्ति निगम की तरफ से कि जो गेहूं या कोई और भी अनाज है वो बेहद ही लापरवाही पूर्वक रखा गया। गुणवत्ता का जो अनाज रखा जाना था वहां पे खराब अनाज रखा गया, और विभाग को भी इस बारे में गलत जानकारी दी, और ये जो कार्रवाई हुई है ये स्थानीय फीडबैक और खुद अधिकारियों के निरीक्षण के बाद की गई है। 8 जिलों के जो प्रबंधक है, मैनेजर है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, और एक वेतन वृद्धि रोकने की जो ये बात निकल के सामने आ रही है की गई है। उसके अलावा 12 जिलों के जो प्रभारी हैं, केंद्र प्रभारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यानी कि साफ है कि वेयर हाउस और खाद्य निगम आपूर्ति में जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर कई बार मामले सामने आते हैं, इस पर ये बड़ी कार्रवाई है, और न सिर्फ बड़ी कार्रवाई है बल्कि अधिकारियों के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने का ये जो आदेश है ये काफी ज्यादा जो एक सरकार की व्यवस्था है सुशासन की उसी के व्यवस्था के अनुसार ही इसको लागू किया गया है, और इसी लिहाज से इन अधिकारियों पे गाज गिरी है। सवाल ये है कि इन अधिकारियों पे गाज गिरी है लेकिन इन अधिकारियों की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि जो गरीबों को राशन वितरित किया जाना है और सरकार इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है उसमें इस तरीके की लापरवाही होना और सरकार को बाद में ये पता चल रहा है इसके बाद कार्रवाई होना, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से ये देखा गया कि सीएजी ने ना सिर्फ पोषण आहार घोटाले को लेकर सरकार से जवाब तलब किया था बल्कि करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर आशंका जताई थी, और ठीक इसी लिहाज से न सिर्फ महिला बाल विकास बल्कि कई अन्य विभागों में भी हलचल है, और अधिकारी इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या विभागीय स्तर पे या नदारी स्तर पे क्या गड़बड़ियां हो रही है, और इसी लिहाज से ये कार्रवाई हुई है। जी विवेक, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी, 12 जिलों के जो प्रभारियों हैं उनके ऊपर गाज गिरी है और खराब अनाज रखा है, अच्छी अनाज की जगह गुणवत्ता वाले अनाज की जगह उन्होंने खराब अनाज रखने के ऊपर उनके वेतन वृद्धि में जो है आदेश निकाला है कि वेतन वृद्धि नहीं की जाएगी। आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ विवेक।